नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि बनारस में वाल्हा नदी पर अभी भी एक बांस का पुल बना हुआ है और लोग उसका इस पार से उस पार जाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाल्हा नदी पर कुल 11 पुल बन चुके हैं, लेकिन अभी एक और पुल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको उस पुल के बारे में पूरा जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वह बांस का पुल कहाँ पर है और वह बांस का पुल पर चलने में कैसा महसूस होता है। तो ये सब आप लोग वीडियो में देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं राइड कर रहा हूँ और मैं ये दनियालपुर गांव साइड से होते हुए इधर आया हूँ और ये जो रास्ता है पूरा योग बोधी रोड करके कहलाता है। और उसके बाद ये आप रिवर साइड जो वरना नदी है उधर आप जाइएगा। तो दोस्तों, ये जो पुल है इसको खोजने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी मुझे, और मैप देख देख के आइडिया भी नहीं लग रहा था मैप से सही से, फिर भी मैं आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और ये देखिए वरना नदी का जो साइड में ये देखिए खेत है, हरियाली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपको बता दें कि दोस्तों ये जो पुल है बांस का है बना हुआ, और जो आसपास का जो इलाका है काफ़ी मतलब बड़ी आबादी है जो इस पुल को यूज करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि जो और जो दो पुल हैं काफ़ी दूर दूर हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि इस पुल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। देखिए, अब हम लोग वरना नदी के पास ये पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए एक पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ है शायद। अपनी स्कूटी यहीं पर मैं खड़ा करता हूँ और चलिए आपको हम ले चलते हैं। तो ये जो आपको मैं चल रहा हूँ ये देखिए पुल के पास हम लोग ये आगे जा रहे हैं। चलिए आपको मैप के सहायता से मैं बता दूं कि आखिर इस पुल की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये फुलवरिया वाला जो 4 लेन है वहाँ पर जो एक वाला नदी पर इमलिया घाट के पास वो वाला पुल है, और इसके बाद एक जो दूसरा पुल है यहाँ पर पिसौर के पास है, पिसौर पुल करके है आप देखिए ये, और एक और जो ब्रिज है इनके बीच में है वो रेलवे ब्रिज है कोई लाहवा ब्रिज। लेकिन इसके बीच काफ़ी मतलब देखिए दनियालपुर हो गया, वरनापुरी कॉलोनी हो गई और भी जो इधर के आसपास के जो इलाके हैं। तो ये जो आम मैं पिन दिखा रहा हूँ यहाँ से इस पार से उस पार जाने के लिए वो मान लीजिए 6 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ पर एक स्थानीय लोगों ने एक पुल बनाया हुआ है और ये पुल आपको बता दूं कि बांस का पुल है और इसे स्थानीय लोगों ने इस पार से उस पार जाने के लिए बनाया है, और इस पर आप साइकिल और पैदल यात्री ही जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई वाहन इस पर नहीं जा सकते। और जब बरसात होता है तो यह पुल भी बह जाता है तो और भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, इसी को लेकर के इधर भी एक पुल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और यहाँ के जो आसपास के लगभग 75,000 आबादी के क्षेत्र जो वो मतलब इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वरना नदी पर एक पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर जो है राजकीय सेतु निगम को भेजा था, जिसके बाद निगम ने पुल का निर्माण के लिए DPR बना लिया और उसके बाद उसको लेकर उसे शासन के पास भेजा गया है। जैसी सहमति हो जाती है तो फिर उसके बाद इन के बीच में ये पुल का निर्माण किया जाएगा और ये बांस वाला पुल को हटा दिया जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना ये पुल, इस पर चलिए अब आपको हम चल के दिखाते हैं और देखिए मतलब कैसा अनुभव होता है। तो ये दाएं साइड में देख रहे हैं ना पूरा एकदम पानी कितना गंदा है, इधर भी देखिए। तो ये वरना नदी का यही हाल है, लोग जो मणिपुर में जाते हैं मेघालय में जाते हैं ये पुल पर, लकड़ी का पुल ये देखिए, आपको बनारस के आसपास आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो इस पुल को स्थानीय लोगों ने बनाया है, ये देखिए बांस बल्ली लगाकर ये बना हुआ है पुल, और जलस्तर जब बढ़ता है तो ये
ये भी काम नहीं आता है, ये समाप्त हो जाता है, तो फिर लोगों को तो पूरा घूमकर जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों इसी को लेकर ये नया पुल बनाया जाएगा अब, और आपको बता दें कि वह पुल जो होगा लगभग 80 मीटर लंबा होगा, और वह धनियारपुर फुलवरिया के बीच जो मैंने आपको दिखाया, इधर ही वो जो मैंने दिखाया था उन दोनों के बीच ही बनेगा, और इसी इलाके के आसपास ही बनेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट हो गया एकदम, जो दो पुल हैं पिसौर और फुलवरिया फोर लेन वाला। और इसकी कुल लागत की बात करें तो इसमें लगभग 9.17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो जैसे ही DPR की मंजूरी मिल जाएगी तो इसका निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये भी जो हम है ये वर्णापुरी कॉलोनी है, इधर वर्णा पार आप देखिए। तो आपको बता दें कि इस पुल के बन जाने से बहुत सारे गाँवों को फ़ायदा मिलेगा, जिसमें दनियालपुर हो गया, ये वर्णापुरी कॉलोनी हो गया, फुलवरिया हो गया, महेशपुर हो गया, खरका हो गया, तो बहुत सारे हैं। और ये देखिए दूसरे साइड से मैं पुल पर चल के दिखाता हूँ, काफ़ी मतलब बेहतरीन लुक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए तो दोस्तों, अगर आपको इस पुल के बारे में जानकारी थी तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब वीडियो यहीं पर अब समाप्त करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बहुत सारे व्यूअर हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।